वर्तमान में जो बहुत सेंचुरीज का काम हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चला है, हमने उसको रिव्यू किया है और हमें इसमें अच्छी फीडबैक मिली है कि अगले 3 महीने के अंदर काफ़ी और नई गौ सेंचुरी जो है वो बन करके तैयार हुई है। वैसे अभी कोटड़ा बड़ोक के साथ साथ हांडा कुंडी ये तो चल रही हैं, लेकिन साथ में लुथान जहाँ उसकी कैपेसिटी 1000 से ज़्यादा जो रखने की है, तो इसके साथ साथ खैरी में भी 500 से 700 गौएं जो है वहाँ पर रखी जाएगी। तो इसको चलाने के लिए तो जल्दी कुछ NGOs के साथ जो है वो MOU कर रहे हैं। साथ में हम अधिकांश यहाँ पर फॉर्डर की समस्या रहती है, तो फॉर्डर की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो MOU किया है कि हमें वो साइलेज बना करके देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही देंगे और वो सिर्फ गौ सेंचुरीज को देंगे। और ये भी तय हुआ है कि अगर वो मॉडल सक्सेसफुल रहता है साइलेज बनाने का यूनिवर्सिटी का, तो हम उस तकनीक को हम जिला लेवल के ऊपर जो है वो लागू करेंगे और उससे जो हमारी जो गौ सेंचुरीज हैं इनकी इनके लिए जो चारा एक बड़ी समस्या रहती है और विशेषकर हरा चारा जो है वो समस्या रहती है, उसका समाधान होगा। और साथ में जो नई गौ सेंचुरीज बन रही हैं तो उनको बड़े स्तर के लिए चैफ कैटर भी आयोग जो है उसको हुआ है। और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़, हमारा लक्ष्य है कि हम 2022 तक हम हिमाचल प्रदेश को जो है वो जितने भी सड़क के ऊपर जितने भी हमारे बेसारा पशु धन है उसको हम कौशल